बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर नुमान असकर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। मैं आप सबको डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 16 का जो आज का टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की दो टाइप्स हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्री, रिब्स, स्टर्नम आते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, फोर लिम्ब्स, पेल्विक गर्डल एंड हाइंड लिम्ब्स आते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में स्कल। स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रैनियम। क्रैनियम जो है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है एंड इट कंटेन्स 8 बोन्स, 4 अनपेयर्ड एंड 2 पेयर्ड। इसी तरीके से फेशियल बोन्स जो फेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, contain 14 bones, 2 unpaired and 6 paired. अब इनको टर्न बाई टर्न स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्रैनियम। क्रैनियम की अनपेयर्ड बोन्स हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड, जबकि पेयर्ड बोन्स में आती हैं पैराइटल, टेम्पोरल। इस तरीके से फेशियल बोन्स पेयर्ड में मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्का, जबकि अनपेयर्ड में मैंडिबल एंड वोमर। अब इनकी लोकेशन आप देख सकते हो इस डायग्राम में, फ्रंटल बोन हेयर, पैराइटल बोन इज ओवर हेयर, टेम्पोरल बोन जो कि पेयर्ड है एक इस साइड पे प्रेजेंट होती है एंड द सेकंड वन ऑन द नेक्स्ट साइड, ऑसिपिटल बोन ओवर हेयर। इस तरीके से ये जाइगोमेटिक बोन है, दैट वन इज द लैक्रिमल बोन इन द आईज, दैट वन इज द नेजल बोन। ये एथमॉइड है, दैट इज बिहाइंड द लैक्रिमल बोन होती है, और स्फीनॉइड बोन दैट इज बिसाइड द टेम्पोरल बोन, और ये मैक्सिला जो अपर जॉ की बोन है, और ये मैंडिबल जो के लोअर जॉ की बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो कि एक्सटेंड होता है स्कल से पेल्विस तक, और बैक बोन जो कि प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 4 कर्वेचर्स होते हैं एंड टोटल ऑफ 33 वर्टिब्री, जिसमें सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री, थोरेसिक में 12 वर्टिब्री, लुम्बर में 5 वर्टिब्री, पेल्विक में 9 वर्टिब्री। अब ये सब जो सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर एंड पेल्विक, ये कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ये अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट 2 जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, इसमें एटलस वर्टिब्री एंड द एक्सिस वर्टिब्री जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दैट वन इज द एटलस एंड दैट वन इज द एक्सिस वर्टिब्री। नेक्स्ट इज थोरेसिक वर्टिब्री जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, लुम्बर वर्टिब्री जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और पेल्विक वर्टिब्री जो कि हिप रीजन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इसके हिप रीजन में जो पेल्विक वर्टिब्री है, इसके 2 सेट्स हैं, एक है सैक्रम और एक है कॉकिक्स। जो सैक्रम है वो एंटीरियर 5 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनती है, जबकि जो कॉकिक्स है वो 4 पोस्टीरियर वर्टिब्री की फ्यूजन से बनती है। इसलिए जो 26 वर्टिब्रा वाली बात की जाती है तो उसकी रीजन ये होती है कि जो पेल्विक वर्टिब्री है उसको 2 वर्टिब्री कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सैक्रम में 5 फ्यूज्ड हैं और कॉकिक्स में 4 फ्यूज्ड होती हैं। रिब केज। रिब केज में 12 पेयर्स होते हैं जो आर्टिकुलेट करते हैं विद द थोरेसिक वर्टिब्री। इसका मतलब थोरेसिक वर्टिब्री के साथ ये बैक साइड से कनेक्टेड होते हैं
और फ्रंट से आप ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हो, ये स्टर्नम की बोन है, फ्रंट से ये स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसमें आते हैं ट्रू रिब्स जो कि 7 पेयर्स हैं, आप यहाँ से देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 जो पेयर्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टर्नम के साथ, तो इसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। जबकि फॉल्स रिब्स जो कि नेक्स्ट ये 3 रिब्स हैं 8, 9 एंड 10 जो कि आप देख सकते हो कि इस कोस्टल आर्क के साथ, कोस्टल आर्क उसको कहते हैं जो ये 3 रिब्स हैं जो कि इनडायरेक्टली अटैच हैं विद द 7th रिब ऑफ द ट्रू रिब्स। तो 7th रिब ऑफ ट्रू रिब्स के साथ ये बेसिकली कनेक्टेड होती है, फिर ये 7th रिब इनको कनेक्ट करती है स्टर्नम के साथ, तो उसको हम कोस्टल आर्क कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्लोटिंग रिब्स। ये जो 2 रिब्स हैं जो फ्रंट साइड से कनेक्टेड नहीं होते किसी भी चीज के साथ, स्टर्नम के साथ कनेक्टेड नहीं होते, उनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ये जो फंक्शन है इसका, द रिब केज प्रोवाइड करता है सेमी वैक्यूम चैम्बर कॉल्ड द चेस्ट कैविटी, जो हमारी कैविटी है चेस्ट कैविटी, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये रिब केज। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सियल स्केलेटन की बोन्स की तरफ। तो टोटल बोन्स हैं इसमें 80, स्कल में 22, वर्टिब्रल कॉलम 33, रिब्स 24, स्टर्नम 1। अब एक और वे में इस एक्सियल स्केलेटन को स्टडी किया जा सकता है कि टोटल बोन्स 80, स्कल 22, वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम 26 कंसिडर करें, रिब्स 24, स्टर्नम 1, तो इसमें आएगा ईयर ऑसिकल्स की 6 बोन्स होती हैं और हार्ड बोन जो कि नेक में प्रेजेंट है वो 1 होती है। तो दोनों तरीकों से इसको स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंदर आता है पेक्टोरल गर्डल एंड फोरलिम्ब। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल कंप्राइजेस ऑफ स्कैपुला, सुप्रास्कैपुला एंड क्लेविकल। क्लेविकल जो है ये कनेक्ट करता है स्कैपुला को विद स्टर्नम, स्टर्नम के साथ कनेक्ट करेगा स्कैपुला को। फोरलिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फ्लिंजेस। टोटल बोन्स 64, पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन्स, फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ ह्यूमरस 2, रेडियस एंड अल्ना 4, कार्पल 16, मेटाकार्पल्स 10, फ्लिंजेस 28। अब इसमें ये जो ह्यूमरस है ये हमारे आर्म में प्रेजेंट होता है शोल्डर के साथ, उसके बाद जो फोर आर्म है उसमें रेडियस एंड अल्ना आते हैं, रिस्ट के पोर्शन में कार्पल प्रेजेंट होती हैं, पाम में मेटाकार्पल्स होती हैं और फ्लेंजेस जो है ये फिंगर्स में होती हैं। अब इसको देख लेते हैं। ह्यूमरस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन बनाता है विद स्कैपुला और ह्यूमरस हिंज ज्वाइंट बनाता है रेडियस एंड अल्ना के साथ। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को कहते हैं जो सेवरल प्लेन्स में मूव कर सकते हैं, और हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट्स को कहा जाता है जो कि सिर्फ एक प्लेन में मूव कर सकते हैं। तो ह्यूमरस अपनी एंटीरियर साइड पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है स्कैपुला के साथ और पोस्टीरियर साइड पे रेडियस एंड अल्ना के साथ हिंज जॉइंट की फॉर्मेशन करता है। रेडियस एंड अल्ना डिस्टल एंड पे मल्टी स्टेज जॉइंट जो कि रिस्ट में प्रेजेंट होता है 8 रिस्ट बोन्स के साथ, ये मल्टी स्टेज जॉइंट बनाती हैं रेडियस एंड अल्ना। मेटाकार्पल जो है ये पाम ऑफ द हैंड का फ्रेमवर्क बनाते हैं और जो फ्लेंजेस हैं दे आर अटैच टू द मेटाकार्पल्स विच सपोर्ट द फिंगर्स, द फिंगर्स को सपोर्ट करेंगे। तो फ्लेंजेस जो हैं ये मेटाकार्पल्स के साथ अटैच होते हैं विच सपोर्ट द फिंगर्स, जो इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट आया था पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो कि हिप बोन्स हैं बेसिकली, पेल्विक गर्डल अटैच करता है हाइंड लिम्ब को टू द वर्टिब्रल कॉलम, हाइंड लिम्ब को वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करता है। इसमें 2 कॉक्सल बोन्स आती हैं।
हर एक जो कॉक्सल बोन है वो तीन बोन से मिलकर बनी है, हीलियम, इस्कियम एंड प्यूपिस। पेल्विक गर्डल सपोर्ट करता है पेल्विक रीजन, यानी कि जो हिप रीजन है उसकी सपोर्ट करता है पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट इज दी हाइंड लिप। तो हाइंड लिप कंसिस्ट ऑफ फीमर जो कि थाइज में प्रेजेंट होती है, पटेला जो कि नीज में प्रेजेंट होती है, टिबिया एंड फिबुला जो कि लेग्स में प्रेजेंट होती है, सेवन टार्सल जो कि एंकल में प्रेजेंट होती है, फाइव मेटाटार्सल जो कि सोल बनाती हैं फीट का, और 14 फ्लेंजेस जो के फिंगर्स में प्रेजेंट होती हैं। टोटल बोन्स हैं 62, पेल्विक गर्डल में 2, हाइंड लिम्स कंसिस्ट ऑफ फीमर 2, पटेला 2, टिबिया एंड फिबुला 4, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, फ्लेंजेस 28। तो ये टोटल हो जाती हैं 62 बोन्स। अब पेल्विक गर्डल हाइंड लिम्स को कैसे ये जॉइंट्स बनाते हैं, जैसे फीमर है वो प्रॉक्सिमल बोन है विच फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप बोन के साथ बनाता है, जो फीमर है वो नी जॉइंट बनाता है टीबिया एंड फिबुला के साथ, जो डिस्टल एंड है टीबिया एंड फिबुला का वो जॉइंट बनाता है सेवन टार्सल्स के साथ, जो टार्सल्स हैं वो मेटा टार्सल्स जो एंकल ऑफ द बोन्स में होते हैं उसके साथ अटैच होते हैं, और जो 14 फ्लेंजेस हैं वो मेटाटार्सल्स के साथ अटैच होती हैं। अब आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है। नंबर वन, डिफरेंशिएट बिटवीन पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। नंबर टू, व्हाट आर फेशियल बोन्स, हाउ ह्यूमरस फॉर्म्स जॉइंट विद स्कैपुला एंड रेडियस एंड अल्ना, राइट नेम्स ऑफ क्रैनियम बोन्स, व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिब्स। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।